ये हैदराबाद में हमारे ऑन द वे कराची से, अभी टेस्ट करके भी आप लोगों को बताते हैं कि टेस्ट कैसा है। इंतज़ार की घड़ियाँ कितनी सख्त होती है। इंतज़ार इतना लंबा हो गया है कि जोपा ने सोचा कि क्यों ना थोड़ी सी चंपी करा ली जाए। मौसम बहुत अलग, ये यहाँ रेडी हो रहा है दम को, आप पूरे पाकिस्तान में नंबर वन है माशाल्लाह। होटल था, मैं खुद ही चलाता था। हाईली रिकमेंडेड वंस अगेन, कराची वालों को तो ऐसा टेस्ट कहीं नहीं मिलने वाला भाई कराची में। जो शख्स नमकीन के यहाँ लेके गया था तो उसी ने बोला कि यहाँ की चाय बहुत अच्छी है। अरे भाई रायता सलाद तो दे दो यार भाई, डाइट में इसके मतलब थोड़ी है कि रायता सलाद भी निकाल सकता, उसको खाऊंगा यार। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ज़ेड एम जे मार्केटिंग चैनल। अच्छा आज जो हम आए हुए हैं वो है फरोही बलूचिस्तान रेस्टोरेंट, ये है हैदराबाद में हमारे ऑन द वे कराची से इधर, और सिर्फ खाने आए इधर का सबसे ज़्यादा मशहूर है क्या है, नमकीन, नमकीन गोश्त। तो उसके लिए गोश्त भी जो है वो हमने खुद अभी कटवाया है और बनवाएंगे भी अपने सामने, और फिर बताएंगे कि टेस्ट कैसा है। क्या कहते हो जो सफ़र कैसा रहा? दो बंदा लेके आया है ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि टेस्ट भी अच्छा होना चाहिए। टेस्ट कैसा है भाई? भाई बेहतरीन टेस्ट है। हाँ बेहतरीन है, ऐसे तो रश बता। खाने के बाद आप खुद रिव्यू दिएगा इंशाल्लाह। बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, बहुत इन्होंने जो है वो साफ सुथरा रखा हुआ है, खाना पीना सब बड़ा साफ सुथरा है, मतलब हाइजीन का ख्याल रखा गया है एक हद तक, जो कि हमारे यहाँ देख सकते हैं जितना देख सकते हैं रिवायती जो होता है हमारे यहाँ वैसा ही है। और अभी टेस्ट करके भी आप लोगों को बताते हैं कि टेस्ट कैसा है। सर टाइम हो चुका है, ऑलमोस्ट 12 बजने वाले हैं। और निकले कब थे हम? निकलते 11 बजे निकले, नहीं 10:30 बजे, 10:30 बजे, 10:30 निकले थे। 10:30 बजे निकले थे, तो अभी 12 बजे का टाइम हो रहा है, 1 बजे तक हमें खाना मिलेगा शायद, 3 बजे मेरे ख्याल से घर पहुँच जाएंगे वापस। घर से चले अभी खाना खाते हैं, बताते हैं ये कैसा है। इंतज़ार की घड़ियाँ कितनी सख्त होती है, चेहरे बता रहे होंगे। अभी इंतज़ार चल रहा है नमकीन का। भाई इस बंदे ने जितनी तारीफ की है, हम लोगों ने दोपहर का खाया हुआ है और इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने इसको बोला कि भाई फ़ोन पे ऑर्डर दे दो, कह रहा है नहीं भाई वहीं जाके करेंगे खुद गोश्त कटवा के। आपके क्या रिव्यूज़ हैं भाई, नमकीन खिलाने तो ले आए के बाद आप बताएं तो हैं, अच्छा नहीं हुआ ना तो सारा खर्चा ये बढ़ेगा। चले भाई जैसे ही नमकीन आता है तो फिर आप लोगों को दिखाते हैं और वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, टेस्ट के हवाले से बताते हैं, कर सकते हैं देखते हैं। हाँ लेकिन आप आ सकते हैं ये वीडियो देखने के बाद, यहाँ पे विजिट करिएगा, पहले हम रिव्यू देंगे फिर आप विजिट करिएगा यहाँ पे, और ऑनेस्ट रिव्यू होगा, ऑनेस्ट रिव्यू होगा इंशाल्लाह। बाकी अभी जो है ना वो हम यहाँ पे जो एक साहब होते हैं जो काफ़ी पुराने हैं यहाँ पे, उनके रिव्यूज़ भी लेते हैं कि ये कैसे रेस्टोरेंट खुला था और क्या मतलब मंजिल इन्होंने अभी तक तय कर ली है। क्या कहते हैं भाई? इंशाल्लाह, वैसे ओनर तो अवेलेबल नहीं है लेकिन इनके एक बहुत पुराने एम्प्लॉई हैं, उनको अप्रोच करते हैं। इंतज़ार इतना लंबा हो गया है कि जोब भाई ने सोचा कि क्यों ना थोड़ी सी चंपी करा ली जाए। भाई ड्राइव करके आया हो, ड्राइव करनी भी है ना वहाँ पे। हाँ ये हमारे ड्राइवर भी हैं, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना चंपी करवा ली जाए कि सही सलामत पहुँचाया जा सके हम लोगों को। आखिर को ले आए रायता और सलाद, सलाद तो बड़ी आलू लग रही है क्योंकि खीरा है। अच्छा जी फाइनली दाल खड़े है, दाल खड़े है, दाल खड़े है, रोटी लगा रहा। अच्छा इसमें ये बताते हैं कि ये सिर्फ नमक और काली मिर्च से बना हुआ है, और अभी हम पहला बाइक तो लाजवाब, मौसम बहुत अलग, अब ये पता नहीं कि भूख की वजह से लग रहा है या वाकई मौसम है। यार सबसे अच्छी चीज़ जो है ना इसकी चटनी है भाई, चटनी बड़ी रिकमेंडेड है, नो डाउट, हाईली रिकमेंडेड है, बहुत अलग है चटनी, रायता और चटनी आउट क्लास है, इसका टेस्ट भी नो डाउट बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है। बाकी आपको काली मिर्च, नमक और काली मिर्च, बाकी आपको रिव्यू देते हैं खाने के बाद, सही रिव्यू। अच्छा भाई ये हमारे साथ मौजूद हैं अख्तर भाई, और ये यहाँ रेडी हो रहा है दमपो। अख्तर भाई इसके ज़रा बताइएगा दमपो का क्या पोजीशन में है अभी और क्या करते हैं, इसको क्या तरीके का है? सर ये पहले हम बकरे जिंदा इधर कटते हैं, ठीक है, फिर हम उनके पीस बना के उनको दम में डालते हैं, स्टीम में, सही है, निकालने 2 घंटे 2.5 लगते हैं हमारा, सही है। फिर ये हम यहाँ पे सिलाई करते हैं, 1.5 किलो की रान, 1/2 किलो का पीस भी होता है इसमें, 1 किलो का भी होता है, बट 1.5 किलो, 1/2 किलो, 1 किलो, सही है, वो जैसे राइस डिश में डालते हैं, सही है, उसके ऊपर ये रान रखते हैं। और ये मसाला कब डालते हैं? मसाला बस सिकाई के दौरान लगता है। अच्छा सिकाई के दौरान मसाला है, ये मसाला है खास है। ये अभी हमने ट्राई नहीं किया है, ये ट्राई करना है, अब नेक्स्ट टाइम का यही प्लान है।
साबुत वगैरह ही बनता है हमारे पास पूरा। अच्छा, पूरे प्लेटर में होता है, चावल होते हैं सब प्लेटर होता है जबरदस्त। तो अख्तर भाई, ये रेस्टोरेंट जो है वो इसकी क्या हिस्ट्री है, कब ये स्टार्ट हुआ था रेस्टोरेंट आपका? सर ये 8 साल हो गए हमें। अच्छा, अल्लाह का शुक्र है हैदराबाद में पहले नंबर। अच्छा माशाल्लाह, आप हैदराबाद में नहीं, मुझे जो लग रहा है ना, जो मैंने आपके नमकीन खाया है, आप पूरे पाकिस्तान में नंबर वन है माशाल्लाह। बहुत ज़बरदस्त, बहुत आउट क्लास टेस्ट। अख्तर भाई ये बताइए कि रेस्टोरेंट शुरू कहाँ से हुआ था, मतलब 8 साल पहले क्या कंडीशन थी इस रेस्टोरेंट की? 8 साल पहले सर झोपड़ा होटल था, मैं खुद ही चलाता था। सही है। तो बाद में जो मेरे पास वो किराए पे था तो हमारे सेठ को दिला दिया था, मेरे सेठ मेरा दोस्त भी ठीक है, तो वो जब से स्टार्ट लिया उन्होंने मेहनत की बनाया, मैं उसके साथ ही था। सही है। जो जो आइटम में उसको बोलता गया वो लगाता गया, ज़बरदस्त मेहनत करता रहा, खर्च करने में एक नंबर चीज़ डालता हमारा सेठ। जो बात है ये इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि आप चीज़ एक नंबर, एक नंबर ऑयल भी एक नंबर, सोया सुप्रीम होता है, मसाले सारे एक नंबर, लाल मिर्च का इस्तेमाल सही है पूरे होता है। अख्तर भाई, ये नमकीन और ये दमको शुरू से है या बाद में कुछ आपने? नमकीन और कढ़ाई सब शुरू से है। और ये थोड़ा हमने लेट शुरू किया था ठीक है, क्योंकि जगह की प्रॉब्लम हो गई थी। सही है। अब जो है हमने ये बनवाया सेठ ने हमारे बड़े दिमाग से। अच्छा, और इसमें पूरे बकरे टंगे हैं। ओके, ज़बरदस्त। तो ये है कि आपका रश कब से लगना शुरू हुआ? माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जो रश है वो तो अपनी जगह पे है, तो फिर फैमिली हॉल भी है, फिर ऊपर भी है, फिर अंदर भी है, हम तो सारा घूमे। ये इतना रश कैसे आना शुरू हुआ माशाल्लाह? वैसे तो अल्लाह राज़ी के। हाँ जी, क्वालिटी है बकरे यहाँ काटते हैं। सही है, ठीक है। उसके बाद बकरे को काटने के बाद हम पानी में नहीं डालते। अच्छा, सिर्फ धोया और फटाफट टांग दिया। अच्छा। तो उसमें तो टेस्ट भी रहता है और फिर ईमानदारी भी रहती है, और एक आध बोटी जैसे खा लेता है कोई, वो भी हमारे पास नहीं खाए सकता। पहली बात तो ये ईमानदारी बहुत बड़ी चीज़ है। अच्छा, एक बात ये बताएं कि सबसे अच्छी जो टेस्ट में लगी ना वो चटनी आउट क्लास, मतलब ऐसी चटनी भी नहीं खाई गई। चटनी में क्या आप ऐसा डालते हैं, कौन सी उसकी ऐसी हिडन रेसिपी है वो शेयर कर दें? हमारे में मसाले हैं सर, काफ़ी किस्म के डालते हैं, और इमली लाजमी डलती है। इमली डलती है, मतलब टाटरी वगैरह नहीं? नहीं, नहीं, नहीं। इमली डलती है। नो डाउट भाई, आउट क्लास, बेहतरीन टेस्ट, हाईली रिकमेंडेड वंस अगेन। और ये थे हमारे अख्तर भाई। और ये दमपुक भी जो है वो इसी तरीके से सर्व नहीं होता, दमपुक के लिए भी एक बिल्कुल चावल रखे जाते हैं एक ट्रे में, फिर उसके ऊपर ये जो अभी यहाँ पे सिकरा है ये पूरा उठा के उसके ऊपर रखा जाता है, जिसका रिव्यू नेक्स्ट टाइम करने वाले हैं इंशाल्लाह हम लोग। तो आप लोग बहुत ज़रूर इस रेस्टोरेंट को विज़िट कीजिए, ज़रूर दूर है, कराची वालों को तो ऐसा टेस्ट कहीं नहीं मिलने वाला भाई कराची में, ये हैदराबाद में मिल रहा है। रोही बलोचिस्तान रेस्टोरेंट के नाम से लाजमी विज़िट करिए। अभी इस वक्त हो रहे हैं 2:37 और हम आए हैं सुपर मदीना रेस्टोरेंट चाय पीने के लिए। मज़े की बात ये, जो शख्स हमें नमकीन के नाम लेके गया था उसी ने बोला कि यहाँ की चाय बहुत अच्छी है, और चाय मेरे लिए तो बहुत ज़रूरी है भाई। ट्रस्ट डेवलप कर हो गया इसके ऊपर, इसने हमारा ट्रस्ट गेन कर लिया, तो ये जो बोलेगा वो करने को तैयार है। सही बात है। तो गर्मा गर्म चाय का इंतज़ार कर रहे हैं भाई, और अपनी बैठी है गुल अपने तो शटल वैसे ही 12 गिर जाते हैं, और खाना खाने के बाद देखिए चाय तो मज़ा दोबाला करती है ना। तो अभी चाय आने दें गर्मा गर्म, आप बोले। मैं कह रहा हूँ एक चर्सी चाय भी मशहूर है, वो पता नहीं कहाँ है, वो भी ढूंढेंगे कभी कि चर्सी चाय कहाँ मिलती है, वो भी पिलाएंगे। आ गई है गर्मा गर्म चाय, और टेस्ट करके इधर ही बताते हैं आपको, और इधर वीडियो का एंड करेंगे। लग रहा है ये चाय जो है ना बाल्टी में दी गई है, इतनी भर के आई है। बहुत है शक्कर दादा चाय, बहुत बेहतरीन भाई। इस चाय के साथ करेंगे वीडियो को। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।